पानी की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती नजर आ रही है। पूरे जिले में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पानी की समस्या के चलते अलवर रेलवे स्टेशन के पीछे बसी झोपड़ बस्ती के लोगों ने आज पानी के लिए प्रदर्शन किया। इनके लिए पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा और इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं। रेलवे स्टेशन के पीछे बसे ये लोग पानी के लिए मोहताज हो चुके हैं। इससे आक्रोशित वहां की महिलाओं और पुरुषों ने आक्रोश जाहिर किया। झोपड़पट्टी में रहने वाले ये गरीब परिवार, जिनके पास रहने को पक्का मकान भी नहीं, घरों में पानी के लिए नल के कनेक्शन भी नहीं, ऐसे में पानी का सहारा है तो मात्र इनकी गली में रखी एक पानी की टंकी। लेकिन टंकी की हालत ऐसी जर्जर हो चुकी है कि जगह जगह इसमें छेद नजर आ रहे हैं और पानी उसमें रुक नहीं रहा। ऐसे में मोटर भी ज्यादा चलती है और वह फूक जाती है, फिर पानी भी नहीं मिल पाता। ये लोग आज पानी की बूंद बूंद के लिए तरस चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं कि पीने का पानी तो दूर, इन्हें शौचालय के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इनके लिए यहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी कराया हुआ है। इन सब के ऊपर पानी की टंकी भी है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। शौचालय में पानी ना होने के चलते यह गंदगी से भरे पड़े हैं। ऐसे में महिलाओं और लड़कियों को खुले में शौच के लिए जाना मजबूरी हो चुका है। पानी के मतलब कोई सुविधा ना है। आज तक ये टंकी फूटी पड़ी है, 3-5-6 महीना होगा। हर जगह हमें यहाँ भी खैर जाए, टंकी फूटी पड़ी है, सुधरा दो, कोई व्यवस्था ना हो रही है। एक पानी की खातर है, माल देख सारे दिन भर यहाँ टंकी चले जाते, खराब होगी ना तो क्या होगी, पानी मैंने मिले ना। हाँ वो खास पानी जब यहाँ टंकी फूट रही है तो इसमें 24 घंटा पानी चलेगा तो मोटर तो खराब होगी, कहाँ से आओगे पानी, यहाँ बताओ। कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही, सबके कहने खे चुका ना यार टंकी लग रही है अभी ना कुछ भरो। अब इन्हें आके आप निका देखो, खूब निजराने से आराम से या टंकी की हालत हो रही है। यहाँ ये उन्होंने लेटरिंग बाथरूम बनाए थे, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की गंदगी भरी पड़ी है, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, खाली खड़ी कर दी। यहाँ महिला जाती है तो खा जाएगी, आप बताओ। ये क्या लगता है सरकार कुछ नहीं कर रही तुम्हारे लिए? कुछ नहीं कर रही, खाली एक नमूनू खड़ो कर दियो। आते वोटर तुम्हारे आते हमारे? वोट लेने आते हैं, बाद में कोई सुनाई नहीं करता इस बात की, समझे साहब। यहाँ बिल्कुल परेशानी, एक यहाँ की गंदगी ऐसी है, हर आदमी लिखे वही खबाने भगे। यहाँ क्या करती है, अगनारे दौड़ने के लिए सब खड़ा हो जाते हैं यहाँ, और सफाई कोई नहीं करे। पानी नहीं है व्यवस्था? अब पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, टंकी फूटी पड़ी है। तो यहाँ वाटर बॉक्स के अधिकारी, वाटर बॉक्स के अधिकारी आए थे क्या यहाँ पे? यहाँ आए थे पहले, जो देखगा आए नहीं, फिर उसके बाद में ना आया। जब अनदेखी कर दी उन्होंने, अनदेखी कर गए, अनदेखी करते हैं सब। पानी नहीं है जी, गरीबा का ना करया था, एक ये टंकी लगी, आधी फूट रही आधा नीचे जाता, ये लड़ाई होती है, पानी आता नहीं है, पूरा पानी नहीं आता, कहाँ से पीवा पानी, भूखे पैसे मर गए, बच्चे तिशाए मर रहे हैं, कोई नहाता नहीं है, कोई धोता नहीं है, सड़ गए जमीन, कोई कपड़ा नहीं धोता, कैसे दो हमें कपड़े भी, पानी की समस्या ज्यादा है। और लैटरिन रखी थी वो बंद कर रखी है, पानी नहीं है, लैटरिन कहाँ जमा, लड़कियाँ बाहर से घूम के आती है, वैसे बैठ जाती है, क्या करा, नंगे गाड़े में से जाते हैं, खुला पानी होता तो हम सब कुछ कर लेते हैं। पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हो जब टंकी फूटी पड़ी है? टंकी फूटी है, थोड़ा थोड़ा आता जी, काम चलने वाला, और क्या, पानी निकल जाता है। हम जाते हैं मंडी में, वहाँ से पानी लेते हैं, कोई भरने नहीं देता। सब लड़कियाँ हमारी भागी फिर, सब लड़कियाँ हमारी भागी फिरती है, दोपहरे धूप का टाइम है, आजकल कोई निकलने का टाइम नहीं है, किसी को लग गया, कोई जगर लगी तो क्या करेगी सरकार, बचाएगी मेरे को? सरकार वादे करती है। हाँ सरकार वादे करती है, सरकार वोटा के बारे वादे करती है, कोई हमारी सुनाई नहीं करता कोई।